हेलो क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी नॉट आई कैप तो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और उस क्यू चार्ज पार्टिकल को आपने इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ई नॉट के कैप और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है बी नॉट जे कैप एक्सेलरेशन आपको उसका फाइंड करना है चार्ज आपको दिया हुआ है क्यू है ठीक है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे ठीक है तो टोटल तो फोर्स जो लगेगा वेक्टर जो होगा टोटल फोर्स का दैट विल बी क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी क्योंकि ये क्यू ई e क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो है और ये क्या है क्यूवी क्रॉस भी ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो है ठीक है अब यहां पे मुझे ये पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है फोर्स की वैल्यू होती एम ए तो इस वाले फोर्स की जगह मैं लिख दूंगा मास इंटू एक्सलरेशन वैक्टर क्लियर होगी बात अच्छा यहाँ पे क्यू की जगह क्यू ही आ जाएगा क्योंकि चार्ज में को क्यू ही गिवन है क्वेश्चन में उसके बाद आ, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ई e वैक्टर अब ई वैक्टर की जगह क्या आ जाएगा क्योंकि ई वैक्टर की वैल्यू हमको कीवन है ई नॉट के कैप तो ई वैक्टर की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू ई नॉट के कैप एज इट इज ठीक है उसके बाद इस वाली टर्म को देखते हैं ये वाला क्यू एज इट इज आ जाएगा विलॉसिटी वैक्टर वेलॉसिटी है हमको वी नॉट आई कैप तो इस वेलोसिटी वेक्टर की जगह लिख देंगे वी नॉट आई कैप ठीक है ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी कीवन है आपको बी नॉट जे कैप तो यहाँ पे बी नॉट जे कैप सब्सटीट्यूट कर देंगे काम हुआ खत्म अब हमको करना है वी नॉट क्रॉस बी नॉट ठीक है ना अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वी नॉट बी नॉट हो जाएगा वी नॉट बी नॉट राइट और आई क्रॉस जे क्या होता है ये आपने साइकिल पढ़ी होगी आई क्रॉस जे करने के लिए अपन को ऐसे साइकिल बनानी पड़ेगी तो आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा के कैप तो आई क्रॉस जे हो जाएगा आपका के कैप तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी इसके बाद आपका ये वाला रिजल्ट आएगा आपको क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए मास को इधर ले लो डिनोमिनेटर में सो भाई आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज क्यू कॉमन आ जाएगा इधर इधर, इधर दोनों तरफ क्यू आ रहा है ना तो क्यू को बाहर ले लो अंदर क्या बचेगा ई नॉट और वी नॉट बी नॉट ई नॉट प्लस वी नॉट बी नॉट और इधर भी के कैप है और इधर भी के कैप है तो के कैप भी हमने कॉमन ले लिया एम नीचे आ गया सो दिस विल बी दी एक्सेलरेशन एंड फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग